हेलो दोस्तों, हेमो प्लांजो किचन में आज आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं टेस्टी यम्मी दाल मखनी। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। और यहाँ पे हमने लिया है राजमा, जिसे हमने रात में भिगो के रख दिया था फूलने के लिए। तो हमारा राजमा बहुत अच्छे से फूल चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे मसूर। मसूर खड़ी लेनी है, इसे हमने भिगोया नहीं है क्योंकि मसूर बहुत जल्दी पक जाता है। और यहीं पर ऐड करेंगे इसमें काली दाल। अब इन तीनों को हम मिक्स करके अच्छे से वॉश कर लेंगे। राजमा तो पहले से ही वॉश किया था, बस इसमें दाल और मसूर हमने ऐड किया, तो इसे अच्छे से एक बार फिर से और वॉश कर लेते हैं। तो हमारी दाल देखिए अच्छे से वॉश हो गई है। तो यहीं पर हम ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक हम पहले ही डाल देते हैं क्योंकि दाल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाती है और उसका टेस्ट भी चला जाता है। तो यहाँ पर हमने नमक ऐड कर दिया। अब हम इसमें लगा देते हैं प्रेशर, इसे हम रख देंगे गैस पर बॉईल होने के लिए। जब तक हमारा इसमें प्रेशर बन के पकता है, तब तक हम तड़के के लिए मसाले तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है बारीक कटे हुए प्याज, तेज पत्ता, खड़ी लाल मिर्च, धनिया और जीरा और धनिया खड़ा सूखा और हींग और टमाटर की प्यूरी जो मैंने पहले ही तैयार करके रखी है। और यह है दूध में मिक्स मार्केट के गरम मसाले, मैंने इसे पहले ही मिक्स कर लिया है, इससे टेस्ट अच्छा आता है। तो चलिए इन्हीं मसालों से हम बनाएंगे दाल मखनी। यहाँ हमारा दाल भी पक के तैयार हो चुका है, बहुत अच्छे से राजमा भी गल चुका है और काली और दाल और मसूर भी पक चुकी है। तो इसे चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए बहुत अच्छा इसका टेक्स्चर आया है। तो यहाँ पे हम लिए हैं पैन, इसमें हमने डाला हींग, यहाँ हमने ऑलिव ऑयल लिया है, आप बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहीं पर हमने जीरा और खड़ा धनिया जो लिया था उसे तड़के में डाल दिया। अब ये चटक गया है तो यहीं पर लाल मिर्च ऐड करेंगे, तेज पत्ता। हम इन्हें अच्छे से चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। अभी हमारा रोस्ट हो चुका, तो हमने यहीं पर कसूरी मेथी ऐड किया है। आप चाहे तो कसूरी मेथी अवॉइड भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। और यहाँ चॉप कटे हुए प्याज ऐड कर दिया। अब इसे अच्छे से भून लेंगे। इसे हमें बहुत रोस्ट नहीं करना है, ब्राउन से हल्का ही रोस्ट करना है। अभी हमारा रोस्ट हो चुका, तो यहीं पर हम डालेंगे टमाटर प्यूरी। टमाटर प्यूरी पहले ही हम तैयार कर लेते हैं, जो दो चार दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में, हम तो आप भी तैयार करके रख सकते हैं। इमरजेंसी में कभी होता है जल्दी जल्दी। यहीं पर हम घर का बना हुआ गरम मसाला ऐड किए और लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए। हमारे सारे मसाले अच्छे से भुन गए, तो यहीं पर हमने जो दूध में मसाले रखे थे मिक्स करके उसे भी ऐड कर लिया। और इसे बहुत अच्छे से चलाना है और ध्यान से चलाना है, इसे चलाते ही रहना है, नहीं तो दूध जो है वो फटने लगता है। इसमें टमाटर भी मिक्स है। तो यहाँ पर देखिए हमारे सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए और तेल भी ऊपर आने लगा है। तो यहीं पर हम ऐड करेंगे राजमा। हमने सारे दालें इसमें ऐड कर दिया और इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले इन दाल और राजमा के साथ मिक्स हो जाए। तो देखिए हमारा राजमा और काली दाल बहुत अच्छे से मिक्स होके दाल मखनी तैयार हो चुकी है। तो यहीं पर हम कटे हुए जिंजर के टुकड़े ऐड करेंगे और गार्निशिंग के लिए धनिया पाउडर। बिना धनिया पाउडर के तो कोई रेसिपी में जान आती नहीं है। तो देखिए तैयार है हमारा दाल मखनी, आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही क्विक तैयार होने वाली रेसिपी। थैंक यू।